हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग ऑफिसर एस्पायरेंट। आज मैं डायरेक्ट आपसे मुखातिब होने की पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा काफ़ी टाइम से मैंने अपना कंटेंट अपडेट नहीं किया है। तो जैसा आपको लग रहा है कि बहुत टाइम हो गया, मैं थोड़ा अपने पर्सनल लाइफ में बिजी था, पर अब मैं वन बाई वन वीडियो अपडेट करूँगा और मेरा अब कंटेंट का मैं चेंज करूँगा, जिससे ये रहेगा कि नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड जो टॉपिक्स है जिसे समझना है वो हम समझेंगे, जो आफ्टर नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद क्या फेस होती है, क्या प्रॉब्लम फेस होती है या किससे रिगार्डिंग होती है, और बिफोर नर्सिंग ऑफिसर बनने से पहले हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, तो उससे रिलेटेड हम करेंगे। तो मेरा जो रहेगा वीडियो का जो कंटेंट रहेगा वो नर्सिंग ऑफिसर विद टॉक रहेगा, जिसे हम आपस में कॉन्टेक्ट में रहेंगे और हम अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। जिस किसी को भी किसी से नर्सिंग प्रोफेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगी या कोई नर्सेस से रिलेटेड रहेगी वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे। इवन आफ्टर नर्सिंग ऑफिसर बनने के बाद जो प्रॉब्लम फेस होती है या बिफोर नर्सिंग ऑफिसर बनने से पहले जो प्रॉब्लम फेस होती है उसके रिगार्डिंग भी हम बात करेंगे। तो अब मैं हर वीक में एक वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा। जो भी मेरे चैनल से जुड़े हैं मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाया है, तो मैं ज़रूर आपकी खिदमत में एक वीडियो डेली, एक हफ्ते में एक वीडियो डालने की पूरी कोशिश करूँगा। तो हमारा जो भी टॉपिक या कंटेंट रहेगा तो वो उसका मेन यही है कि एज नर्सिंग ऑफिसर हम क्या कर सकते हैं और नर्सिंग ऑफिसर बनने के लिए जो एस्पायरेंट है वो उसके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन रहनी चाहिए या फिर क्या क्या क्वालिटी रहनी चाहिए वो उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो गाइज हर चीज़ की रिगार्डिंग हम देखेंगे, पर हम वीडियो डालेंगे और अच्छे से उसके रिगार्डिंग बात करेंगे, और आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में भी रह सकते हैं। तो मैं अपना व्हाट्सएप ग्रुप नंबर या फिर मैं अपना जो मैं सोशल मीडिया कम ही चलाता हूँ पर मैं उसका नंबर कोशिश करूँगा देने की, तो हम कॉन्टेक्ट में रहेंगे, या फिर आप मेरे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं तो मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरा नाम मोहम्मद जमील गोरी है, मैं एम्स नागपुर में नर्सिंग ऑफिसर में कार्यरत हूँ। तो जिस रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम है वो मुझसे आप पर्सनली कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हैं और मैं आपकी पूरी कोशिश करूँगा कि आपकी प्रॉब्लम हल करने की। धन्यवाद, थैंक यू।